आज हमारे गांव में काफी जोरों की बारिश आई हुई थी और यहां पे देखिए माला ने जो लिपाई पोताई की दिखाई, पूरा लिपाई पोताई इसका फोताई हो गया, पूरा पानी लग चुका है आंगन में। आपने देखा कि माला को कितना पानी हुआ है और बेचारी को बनाना था खाना। टाइम मैंने करती हूँ ना, उतना टाइम मुझे इतना परेशान करता है। यहाँ पे मैं चूल्हा उठा के देखिए यहाँ पे रखी हुई है और साइड में यहाँ पे लेवा लगाई हुई है, ये देखिए तसला में खाना पकाने के लिए। और बारिश इतनी हुई कि बस ये इसका ही छाता बना लो, ऐसे करके दो लो छाता बना लो, जो पानी भर के लेके आओ, जो हो गया माला का छाता। गाइस खाना बनाने के लिए बाहर में बनाना था बट उसका जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, तो यहीं पे अभी माला खाना पकाएगी। उससे पहले थोड़ा सा एक काम निकल गया है, तो काम क्या है इसके लिए हमको जाना पड़ेगा रूम में और दिखाऊंगा कि क्या काम होने वाला है रूम के अंदर। तो आ चुके गाइस हम रूम के अंदर, और एक्चुअली बात ये हुई थी कि ये बेड हमने नया खरीदा था, आपने देखा था, इसका जो गद्दा का जो ये बेडशीट था ना, ये हो चुका था गंदा। तो कल माला ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम चमका चमका के वॉशिंग, और इसको भी करने वाली है सेट। और तकिया में भी खोल लगने वाला है, क्योंकि तकिया तो सिलाई की थी ऑलरेडी इसने, उसका वीडियो हमने डाला ही था। और ये बेड का जो है हमारा, वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, चैनल में दो दिन पहले हमने अपलोड किया है। तो इसको ये बेड कवर करने से पहले हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर कवर लगा। और लाइट भी गाइस भाग चुकी है, इसलिए थोड़ा वीडियो की क्वालिटी आप एडजस्ट कीजिएगा, उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आ रही है। बाहर में जैसे आते तो थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छी आती है, बट रूम के अंदर जो है ना क्लियरिटी गाइस अच्छी नहीं आ रही है। माय माला जो है लग चुके इसको क्लीनिंग करने के लिए, सुबह मैंने ऑलरेडी से क्लीनिंग कर दिया था, बट ये जब तक अपने हाथ से नहीं करती है ना साफ सफाई, तब तक इसको संतुष्टि नहीं होता है ना जी। तो यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी बैठता है उसकी कर रही है सफाई, देख पा रहे हैं, चमका देगी इसको, जैसे खुद चमक गई है वैसे बेड को भी आज चमका देगी। अभी मुझे खाना पकाने का था, लेकिन खाना पकाने के लिए जो है ना उस रूम में मुझे जाना पड़ेगा, ये रूम वो रूम करना पड़ेगा, मेरा घर का चीज है।
फाइनली जो है माला का भात बन के रेडी हो चुका है, साग भी बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए प्याज और मिर्ची की सब्जी बनाएगी, साथ में पापड़ छाना जाएगा और प्याज मिर्ची का नाम लिया तो हंसने लगे। ये कौन सा तेल है जी? ये है मीठा तेल, रिफाइन तेल इसको बोलते हैं हमारे गाँव में। तो उसकी हो रही है एकदम तैयारी। सब्जी क्या बनने वाला है? वही सही में बनने वाला है क्या? अच्छा अच्छा, तो सब्जी देखिए आज क्या पका रही है यहाँ पे। ये देखिए चठेल, आलू, परवल, तीन चीज मिक्स मिला के सब्जी बनने वाला है। तो आज लगता है सब अपने खेतों का पेट का जो है आज पूरे अच्छे तरीके से सफाई होने वाला है, क्योंकि कहावत में है तीन कट महाविकट, तो पेट को आज साफ कर देगा। तीन आइटम मिला के आज वाला भी बना रही सब्जी। तो बारिश सुबह से हो रही थी बट अभी बारिश भी बंद हो चुकी है और लाइट भी नहीं, लेकिन गर्मी इतनी क्या ही बोलेगा, इस गर्मी की वजह से जो है ना पूरा परेशान है। और इसी बीच यहाँ पे देखिए पापड़, यार एक पैकेट पापड़ लाते हैं तो एक महीना भी नहीं जाने देती है ना, 10 दिन में खत्म। पापड़ जब रहेगा ना घर में तो भाई डेली का डेली ये भाई पापड़ बनाएगी, और नहीं रहेगा तब फिटवा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा गर्म होने दोनों तभी उसमें चला जाएगा ना। यहाँ पे देखिए तो इतना फौरन में जो सब्जी बनाएगी इतना मिर्ची डाल के, तो क्या होगा पेट में और पिछवाड़े में क्या होगा ये निकलते टाइम आप ही बताइएगा। जो खाएगा उसका हाल जो ये मिर्ची क्या करेगा बताइए। तो गाइस यहाँ पे देखिए फाइनली पापड़ भी बन गया है और यहाँ पे छोटी वाली बेटी आई है पापड़ लेने के। लो दो इधर, इधर दो, लो इधर, इधर दो ना जी हमको खाने के लिए। और देखिए हमको 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 दो, जाओ तो जाओ, उसको काटी थी मुंह को, बस आवाज करेगा तो पूरा चिपक जाएगा कान में। तो यहाँ पे हो रहा है गाइस मिर्ची फ्राई, देखिए उल्टा पुलटा होगा, चलो कोई नहीं हो जाने दो, हड़बड़ में सरबड़ में गड़बड़ में हो ही जाता है। और ये साग पोड़ो का साग है, लोहिया जो पूरा गर्म हो चुका है इसलिए इतना परेशानी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी वाली बेटी जो पीछे लगी हमको पापड़ खिलाने के लिए, दो खिलो। वाह, होटल क्या करेगी? हाँ क्या करेगी? तो ये गया गाय जिसमें सब्जी, देखिए जो तीन आइटम का मिला के सब्जी बनाई थी ना मम्मी ने कटिंग की थी, तो उसको माला ने डाल दिया अभी कढ़ाई में। यहाँ पे नजदीक से आपको दिखाता हूँ जैसे कि तीन आइटम बोला था तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा।
हस्बैंड जी तो देखिए जरा भी नहीं करते खाना, देखिए मन चालू हो गए। तो बताइए कैसा हुआ खाना, टेस्टी है कि नहीं? फैंटास्टिक बोल रहे हैं। तो आप सभी भी आ जाइए फ्रेंड्स हमारे घर। अभी का जो लंच हम लोग कर रहे थे, आप सभी का जो ना वेलकम है। यहाँ पे सिर्फ फ्री इंजॉय कर रही है पापा।
जो है मैंने सुबह सुबह जो है ना लिपाई किए थे और अभी का जो नजारा है, एक घंटा पहले मैंने लिपाई किए थे और अब जो है ना फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना बारिश लग गया है। मैं क्या करूँ और इस बारिश में कैसे मैं खाना पकाऊंगी, और यहाँ पे देखिए पूरे मैं डूब जाऊंगी, इतना बारिश आया है हमारे इधर। ये देखिए कितना ज्यादा बारिश है, पूरे मैं भीग रही हूँ।